हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल क्लस्टर में। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बाइनोमो एप्लीकेशन से अपने रियल अकाउंट से पैसों को कैसे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल ले सकते हैं। जी हां फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप लाइव यहां पे दिखाने वाला हूं कि आप अपने बाइनोमो के रियल अकाउंट से पैसों को कैसे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल ले सकते हैं। तो ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ जानते हैं, बाइनोमो एक ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर पैसा कमा सकते हैं। तो जब आप यहाँ पैसा कमा लें तो उसे विड्रॉल भी करना होता है, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये हमारा अकाउंट ओपन है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा बाइनोमो का अकाउंट है। यहाँ पे आप मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा डेमो अकाउंट है, ठीक है। यहाँ ये हमारा रियल अकाउंट है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें हमें हमारे अभी 1000 रुपीज़ यहाँ पे है। अब मैं ये पैसों को बैंक अकाउंट में विड्रॉल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली रियल अकाउंट में आ जाना है सबसे पहले, तो ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ करना क्या है, आपको यहाँ पे नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, लास्ट ऑप्शन, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर आपको बैलेंस का ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ बैलेंस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, डिपॉजिट एंड विड्रॉ का। तो हम यहाँ विड्रॉ करने वाले हैं, तो आपको यहाँ सिंपली विड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ विड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा विड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ नया इंटरफेस ओपन होने दीजिए, थोड़ा वेट करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा यहाँ हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा इंटरफेस ओपन हो गया है। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे डिटेल्स डालने के, जिस बैंक अकाउंट में आप यहाँ पे विड्रॉल लेना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स आपको यहाँ डालनी है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे अपना यहाँ पे विड्रॉल मेथड यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं ये तीन चीज़ दे रखे, बैंक IMPS, यहाँ पे बैंक ट्रांसफर टू बैंक यहाँ दे रखा है। तो आपको ये पहला वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या, आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद उसका IFSC कोड डालना है, ठीक है। एंड देन आपको यहाँ बैंक अकाउंट का नंबर और फोन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। एंड देन आपको यहाँ बैंक अकाउंट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कौन सा बैंक आपको, कोटक महिंद्रा बैंक है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, वो सब आपको डालना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने बताया गलत, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, अपने बैंक अकाउंट में जो नाम है वो डालना है, ठीक है। ये सब डालना है। एंड देन आपको यहाँ अमाउंट डालना है, कितना अमाउंट आप यहाँ विड्रॉल करना चाहते हैं। तो मैं ये पहले सारी डिटेल्स फिल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, कौन से बैंक अकाउंट में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जिसका भी बैंक अकाउंट है, ये सारे बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे HDFC मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसका सारी डिटेल्स डालनी है। तो मैं यहाँ सारी डिटेल्स पहले फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स अपने बैंक अकाउंट की फिल कर दी है, ठीक है। आपको इस तरीके से बैंक अकाउंट की डिटेल्स डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है कि कितना अमाउंट आप यहाँ पे विड्रॉल करना चाहते हैं। यहाँ पे जो मिनिमम विड्रॉल अमाउंट है वो है 350 रुपीज़, आपको मिनिमम तो आप यहाँ विड्रॉल करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। तो हमारे अकाउंट में भी 1000 रुपीज़ है, तो मैं यहाँ पे 1000 रुपीज़ टोटल यहाँ पे विड्रॉल करना चाहता हूँ। तो मैंने ये अमाउंट यहाँ पे डाल दिया है, आप जितना चाहे उतना विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको नीचे आपको सिंपली यहाँ पे रिक्वेस्ट विड्रॉल का ऑप्शन मिलता है। सिंपली आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे चली जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पे चली है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये रिक्वेस्ट इज़ वेरीफाइड, ठीक है। और ये देखिए, ये हो गया। अब यहाँ पे देख रहा है कि जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी, तो आपके जो पैसे हैं वो आपके दिए हुए बैंक अकाउंट में विड्रॉल, मतलब कि ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये प्रोसेस कंप्लीट होने में 3 दिन का वक्त लग सकता है, यहाँ लिखा हुआ 3 डेज़। ऐसे तो 24 घंटे के अंदर ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो 3 दिन यहाँ पे लगता है, ठीक है। और वो पैसे जैसे ही ये वेरीफाई हो जाएगा, वैसे आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, विड्रॉल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप बाइनोमो एप्लीकेशन पे आप यहाँ पे पैसों को विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ट्रांजैक्शन डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, दो ट्रांजैक्शन डिटेल्स। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया हमारे ट्रांजैक्शन डिटेल यहाँ पे दिखा रखी है, जैसे कि 21000 रुपीज़ है जो यहाँ पे दिखा रखी है, ठीक है। तो ये सब है, ये अभी अप्रूव नहीं हुआ, जैसे अप्रूव हो जाएगा वैसे आपका यहाँ पे पैसे जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखा रखा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बाइनोमो एप्लीकेशन से पैसों को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट होता है या फिर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये रिजेक्ट हो जाता है विड्रॉल, तो आप दोबारा से एक बार रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ऐसे रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन रिजेक्ट हो जाता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं दोबारा से रिक्वेस्ट विड्रॉल की, और आपके पैसे विड्रॉल हो जाएंगे। मैंने भी विड्रॉल करके देखा है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ डाउट होता है जैसे मैंने बताया, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।